हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंगो का जो अचार है वो कैसे डलता है। तो अभी मम्मी कटिंग कर रहे हैं और मुझे उनकी गुट्टी जो अंदर से होती है वो निकालनी है। तो मौसम काफ़ी अच्छा भी है, आज उसे धूप भी लग जाएगी। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए कि अचार, सिंपल अचार डाल रही हूँ मैं, खट्टा मीठा नहीं है, सिंपल वाला अचार है और बहुत अच्छा बनेगा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे तरीके से मैं टिप्स भी दूंगी कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और तो मैं जल्दी से चलती हूँ क्योंकि मम्मा मुझे बुला रहे हैं और उसमें मैंने गुटियाँ निकालनी है। ओके, बाय बाय गाइज़। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या है, इन मैंगो की कटिंग करनी है। हमारे पास कटिंग के लिए कटर नहीं है तो हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छे से इसकी गुट्टी भी बन गई है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुट्टी बहुत मतलब सख्त हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इसको काटना बहुत मुश्किल है। तो हम चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाकू से नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले हमने अच्छे से ये मैंगो जो है रात को धो लिए थे और इनसे देखो पानी अच्छे से सूख गया है। और इसके बाद इनकी कटिंग करनी है और जुड़े रहिए। मैंने इसे, मम्मा ने काट रहे हैं तो इसके अंदर जो गुट्टी है वो मैं अभी निकालूंगी, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ओके गाइज, आप देख रहे हैं तो इसमें मैं आपको जो टिप्स होते हैं किस तरीके से आपने अचार बनाते हुए ध्यान रखना है, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला टिप्स जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपने मैंगो धोए होंगे उनको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से सुखाना है ताकि उसमें बिल्कुल पानी ना रहे। फिर सेकेंड चीज़ क्या है, ये देखो यहाँ पर गुट्टी निकालते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई सड़ा हुआ आम तो नहीं है, किसी मैंगो में जो है वो दाग तो नहीं लगा है। अगर दाग लगा है तो उसको करना क्या है, आपने साइड में रख देना है। बिकॉज ऑफ अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पूरा अचार आपका बाद में सड़ जाएगा। तो बेटर है कि जो साफ है अचार वही आपने डालना है। दूसरा टिप ये रहा। तीसरा टिप जो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको बताया है जैसे मैं यहाँ मैंगो से ये गुठलियाँ निकाल रही हूँ, तो ये मैंगो जो है इतने अच्छे से इनकी गुठलियाँ पक चुकी है कि इनको जो है चाकू से काटना बहुत मुश्किल है। और इनको काटने के लिए या तो मशीन टाइप होती है उससे काटते हैं या फिर ये कुल्हाड़ी है इसे यूज़ करती है। यानी कि आम आपकी गुट्टी जो है पक्की होनी चाहिए, वही आपका अचार आपका कई सालों तक रह सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने मैंगो को काट लिया है अच्छे से और साथ में गुट्टी भी निकाल ली है, सड़े हुए मैंगोज को अलग कर दिया है, जिनमें दाग लगे हैं वो भी आपने अलग कर लिए हैं, तो उसके बाद आपने करना क्या है, उनमें नमक मिक्स करना है। और ये भी मैं बताती हूँ कि नमक क्यों मिक्स करते हैं। नमक हम इसलिए मिक्स करते हैं पहले ताकि इनको गांठ बांध के जो है इनसे, इनमें जो पानी है, ये देखिए यहाँ पे ये दाग लगा हुआ है तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और इसको फेंक दिया। तो जब आप नमक मिक्स कर रहे, अच्छे से मिक्स करना है इसमें। और इसके बाद आपने मिक्स करने के बाद करना क्या है, उस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले से ही एक चुन्नी हो तो आपने करना क्या है, जालीदार चुन्नी होनी चाहिए, उसमें जो है ये पूरे मैंगोस को गांठ बांध कर आपने किसी भी जगह पे लटका लेना है। यानी कि जैसे कुछ चीज़ हो सरिया टाइप या कुछ भी, जहाँ आप इस चीज़ को लटका सकते हैं, उससे क्या है पानी निकलेगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए मेरी नीस है ये, और आप क्या कर सकते हैं, दो ईंटें रख के मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप मैंगो को रख सकते हैं और किस तरीके से आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो तीन टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं। पहला ये कि जब भी आप मैंगो को काटें तो उससे पहले आपने करना क्या है, अच्छी तरह से धो लेना है, उनको सुखा लेना है, फिर उसको काटना है। जो दाग वाले मैंगो है उनको बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर आपने काट के क्या करना है, इनमें नमक मिक्स करना है। नमक मिक्स करने के बाद किसी चुन्नी में, आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने चुन्नी ली है, इसमें हमने अच्छे से बांध लेना है। अभी आप देखेंगे कि हम जल्दी जल्दी इसलिए बांध रहे हैं इसको ताकि इससे जो पानी निकल के ये जो टोकरी है इसी के नीचे फर्श पे जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी खटाई होती है, भले ही गलगल की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो, वो फर्श पे ना लगे, क्योंकि उसके दाग इतने गंदे लग जाते हैं, वो मिटते नहीं हैं। ठीक है, तो बेटर है कि या तो आप टोकरी की जगह कोई और चीज़ लें और या फिर आप क्या है, जल्दी जल्दी बांध कर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कोई फर्श ना हो, या ऐसी जगह लटका लीजिए जहाँ पे किसी चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा खटाई से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने जो है अच्छे तरीके से इनको क्या है, मम्मी के साथ हेल्प करवाई है।
इस तरीके से आपने क्या है, अच्छे से इसे बांध लेना है, साफ तरीके से इसको साफ करना है, जो कटोरी जो आपकी ये प्लास्टिक के जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको भी साफ करके रखना है। और आगे आप देखिए, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है आपने, किस तरीके से जो है, अगर आपके पास लटकाने के लिए कुछ नहीं है तो आप दो पत्थर रख के या दो ईंटे रख के उसके बाद क्या है, इस इन गठियों को आप ऊपर रख सकते हैं उनके ऊपर। उससे क्या होगा, जो पानी होगा वो नीचे आसानी से निकलता रहेगा। गाइस ये देखिए, यहाँ से ये पानी निकलने लगा है क्योंकि मेरे पास लटकाने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं थी, तो मैंने दो ईंटें रख के इजीली उस तरीके से मैंने क्या है, इसको निचोड़ने के लिए रख दिया है। आपने ऐसा करना, अगर आपने रात को इनको काटा है तो ओवरनाइट रख लो इनको, या फिर आपने दिन में इन्हें काटा है तो ओवर डे जो है आपने इनका पानी जो है अच्छे से निकलने देना है, ताकि जो है अचार तभी हमारा कई सालों तक रहता है जब हम जो क्या है उससे पानी जो है अच्छे तरीके से सुखा लेते हैं। अब ये पानी निकल चुका था तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन, यानी कि 2 दिन मैक्सिमम, क्योंकि बरसात का टाइम है तो मैंने 2 दिन मैक्सिमम, अच्छी धूप लगी थी तो 2 दिन मैंने अच्छे से इनको सुखा लिया है। अगर आप ज़्यादा दिन भी सुखाना चाहते हैं तो सुखा सकते हैं, ये आप देखिए। और सूखने के बाद आपने जो है इनको अच्छे से टब लीजिए, कोई भी ऐसी खुला बर्तन लीजिए जिसमें आप जो है अच्छे तरीके से हर मसालों को मिक्स कर सके। तो इनमें कौन कौन से मसाले मैंने मिक्स किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जीरा, राई, नमक, हल्दी, मेथी, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए सिर्फ, और गरम मसाला, धनिया पाउडर, अजवाइन, ये चीज़ जो है मैंने मिक्स की है। अगर आप खट्टा मीठा अचार बनाते हैं तो आपने इसमें वो जो आपकी सौंफ होती है, मीठी सौंफ, वो आप इसमें मिला सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आपने मिक्स करना है तो तेल जो है थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और नमक का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है जब हमने इससे पानी निकालना था, तो अभी नमक थोड़ा सा कम रखना है। और थोड़ा थोड़ा तेल डाल के आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ जो कि मैंने इसमें नहीं किया है, जैसे आप इसको डिब्बे में मिक्स करेंगे, मिक्स करके भर देंगे, तो आपने पहले से ही जो ऑयल है सरसों का वो पहले आपने गर्म करना है अच्छे से, क्योंकि कच्चे तेल से क्या होता है, स्मेल आती है, कोई उस अचार को नहीं खाता है। तो आपने करना क्या है, पहले ही उसको उबाल देना है और फिर ठंडा होकर आपने लास्ट में इसमें जितना जो अचार है उसके लेवल तक, यानी कि ऊपर तक आपने क्या है उस तेल को भर के रखना है, ताकि जितने भी साल है इस अचार को आप रख सकते हैं, और अचार जितना पुराना हो उतना ही टेस्टी होता है। और इसके साथ मैं और आपको एक और टिप्स बताती हूँ, जो भी आपका कंटेनर है जिसमें आपने ये अचार भर के रखना है, आपने करना क्या है, थोड़ा सा गर्म चीज़, या फिर आप दिया ले लो मिट्टी का, या फिर कोयला है चूल्हे का वो, तो आपने क्या करना है, जरा सा तेल डाल के जो आपका कोई भी बर्तन है उसको उल्टा रख के उसमें क्या करना है, धूपनी देनी है, हम बोलते हैं धूपनी, यानी कि ताकि उसमें कोई अजीब सी स्मेल है या कुछ भी है तो वो क्या है उसे चली जाएगी, ताकि वो अचार में ना आए। तो इस तरीके से क्या करना है, आपने इस तरीके से कंटेनर को साफ रखना है, और कंटेनर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अच्छा हो अगर आपके पास शीशे का हो या मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में ही डाला है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो उसका जो ढक्कन है वो अच्छे से टाइट बंद हो, अदरवाइज क्या होता है हवा जाती है तब भी हमारा अचार खराब हो जाता है। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं आपको, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर धूपनी दी थी इसमें, और आप देखेंगे कि इस डिब्बे से क्या है अभी धुआं निकलेगा, और ये देखिए इस तरीके से हमने दी थी। आप कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोयला नहीं है, आपने दिए को क्या करना है अच्छे से गर्म करना है गैस के ऊपर, और उसमें जरा सा तेल जब डालोगे उसके ऊपर अगर रखोगे आप,
किसी भी कंटेनर को, तो उसमें क्या है वो चीज हो जाएगी जैसे हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कुछ टिप्स थे आपके साथ जो मैंने शेयर किए कि किस तरीके से आपने आम का अचार बनाना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये कुछ ऐसे टिप्स है जो हर अचार में हमारे काम आते हैं। बिकॉज देखो, पहला जो टिप्स मैंने बताया कि अचार में पानी नहीं रहना चाहिए, तो वो मैंने पहले बताया कि हर चीज़ को सुखा के रखना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमारा जो कंटेनर है उसका जो ढक्कन है वो टाइट होना चाहिए, और वो जो तेल जो हम डालेंगे वो तेल इतना डालना है ताकि जो है वो ऊपर तक आ जाए, यानी कि अचार है वो अचार पूरा डूबा होना चाहिए उसमें। और चीज़ मैं बताती हूँ, कई लोगों के पास जो है तेल की कमी होती है, मुझे पता है हमारी भी ऐसी होता है घर में। अगर आप तेल जो है कम डाल रहे हैं तो आपने क्या करना है, हफ्ते में एक दो बारी क्या करना है उसको हिलाना है डिब्बे को, ताकि वो जो क्या है जो तेल है वो आपका मिक्स होता रहे, वो जो मसाला है वो मिक्स होता रहे अच्छे से, और आपका अचार जो है वो खराब ना हो। ठीक है, तो गाइस ये जो लास्ट में पानी बचा है इसको वेस्ट नहीं करना है, इसे आप पशुओं को पिला सकते हैं। देखो इसमें तेल भी है, हर चीज़ है, तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।